राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा 111वा दीक्षांत समारंभ शनिवारी कविवर्य सुरेश भट सभागृहात पार पडला. त्यावेळी राष्ट्रपती प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत असताना म्हणाले की कोणत्याही संसाधनाचा चांगला वापर केला जाऊ शकतो, तसेच दुरुपयोग देखील केला जाऊ शकतो. हीच वस्तुस्थिती तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही लागू होते. जर आपण त्याचा योग्य वापर केला तर ते देश आणि समाजासाठी फायदेशीर ठरेल, आणि त्याचा गैरवापर केल्यास ते मानवतेसाठी हानिकारक असेल. राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाले, औपचारिक पदवी मिळवणे हा शिक्षणाचा शेवट नाही. आपण जिज्ञासू राहिले पाहिजे आणि आयुष्यभर शिकत राहिले पाहिजे. आज तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र झपाट्याने बदलत असताना सतत शिकत राहणे अधिक महत्वाचे झाले आहे. तुम्ही सर्व तरुण आहात, तंत्रज्ञान कसे वापरायचे आणि त्याचा कसा उपयोग करायचा हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे, त्यामुळे त्याचा चांगलाच वापर करा असे त्या यावेळी म्हणाल्या. राष्ट्रपती प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होत्या. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस अध्यक्षस्थानी होते, तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आज आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. इस विश्वविद्यालय के पूर्व दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी वी रमन, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सी राज कपलचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैसे मुद्दन लोगों ने के नाम है. इस दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं. मुझे बताया गया है कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब 80,000 विद्यार्थियों में आधी से ज्यादा बेटियां हैं. मैं उन 129 विद्यार्थियों को भी विशेष बधाई देती हूं जिन्होंने आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं. मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों तथा विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं. मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4,00,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं. मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है. आप सब युवा है, आप सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं और जानते हैं और करते भी हैं. किसी भी साधन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी. यही तथ्य टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है. अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है. इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं. देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है
जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करें।